देखो उदाहरण 5.10, क्षेत्र में दर्शाए गए परिपथ में बिंदु ए और सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। ऐसे स्थिति में सबसे पहले आपको क्या दो प्रतिरोध जो समांतर क्रम में जुड़े हैं उनका तुल्य प्रतिरोध लगातार दो जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में, तो दो प्रतिरोध ये समांतर क्रम में जुड़े हैं जिनका तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना। तुल्य मान इन दोनों की जगह एक हो जाएगी, तो एक से एक रेखा ये दोनों श्रेणी क्रम में रहेंगे, तो यानी प्रतिरोध आंसर में आपके पास है प्रतिरोध आर टू बराबर 4 ओम वे आर थ्री बराबर 4 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं जिनका तुल्य प्रतिरोध आर टी बराबर आर टू की जगह आर थ्री आर टू आर थ्री बटा आर टू प्लस आर थ्री आर थ्री बराबर आर टू की जगह 4 गुणा 4 बटा 4 प्लस 4 तो आर थ्री बराबर 16, 4 into 4 16 और 4 प्लस 4 = 2 2 2। अब आपके पास दोनों मुझे एक हो गया, वापस फिर से तो बनाते हैं अपन एक और दो, ये पॉइंट आपके पास 3 और ये पॉइंट आपके पास 2। यहाँ आपको दिया है आर वन बराबर 2 ओम और ये आपने निकाला आर पैरेलल बराबर 2 ओम। दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम संयोजन में। तो अतः श्रेणी क्रम दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन है, अतः श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध आर सीरीज कॉम्बिनेशन ए और बी ए और सी इसके मध्य का आर ए सी बराबर पहला आपके पास आर वन प्लस दूसरा आपके पास है आर सी वन की बात कर रहे तो ये देगा आपके पास आर ए सी बराबर 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर 4 आर ए सी बराबर 4, यानी बिंदु ए और सी के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध आपके पास होगा 4 ओम। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ये तो संधारित्र से पूछा जाता है और ये इससे पूछा जाता है। अगला उदाहरण देखो, एग्जांपल 5.11 मैं बता रहा हूँ आपको, चित्र में जो है चित्र में दर्शाया गया तो दर्शा रहा है आपके पास समांतर
दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े, अतः श्रेणी क्रम से सात